वेलकम टू लेस्टेड यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, गिरिराज साप्ताहिक समाचार पत्र के हिंदी सारांश में मैं के एस ठाकुर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं 24 मार्च 2018 को प्रकाशित ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो आगामी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में हमारी निश्चित तौर पर हेल्प करेगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका मुझे गिरिराज समाचार पत्र के सारांश से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा पाएँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। सबसे पहली खबर यहाँ पे प्रकाशित की गई थी सरकार के सरकारी समाचार पत्र में, देश में प्राकृतिक कृषि का आदर्श बनकर उभरेगा हिमाचल। यदि मैं पिछले 3 महीने के समाचार पत्रों की बात करूं या सरकार की घटनाओं की बात करूं या माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की बात करूं, तो आपको हर रोज़ कोई ना कोई खबर है जैविक खेती से, प्राकृतिक खेती से, या जो हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार करने की सरकार की मुहिम या प्रशासन की मुहिम से संबंधित कोई ना कोई खबर आपको समाचार पत्रों में देखने को मिल ही जाएगी। यदि कोई खबर हर रोज़ समाचार पत्रों में आ रही है तो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार, तो उसमें से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो आपने ऐसा करना है, जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको नोट डाउन भी करते रहिए साथ में। यदि हो सके तो इस तरह के नोट्स बनाइए जो कि आपके तीनों एग्ज़ाम को ही कवर कर दें। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिमरी की अलग से करनी है, मेन के से करनी, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोग अलग से करें। इस तरह से अपनी तैयारी में एक समन्वय स्थापित करके रखें ताकि तीनों चीजें हमारी एक समानांतर ही चलती रहे। तो देखिए, यहाँ पे शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी गई। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, यदि मैं आप लोगों से विस्तृत बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को डबल करना है। यदि किसानों की आय को डबल करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे बीज मुहैया करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो जब से हरित क्रांति आई है तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमारी कृषि तो बड़ी है, उसमें सुधार हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, पर यदि क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा गिर गई है। ठीक है, तो उससे जैसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, यदि आप लोग कोई फल लेंगे तो उसमें स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है, कहीं इंजेक्शन का के उसको तैयार किया गया, तो कितने हार्मफुल है। तो इससे हमें जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, जिसके लिए एक युक्ति सुझाई गई है माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी द्वारा, जो कि जीरो बजट के ऊपर हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताना था कि ये कृषि व्यवस्था आप इसको जीरो बजट से कर सकते हैं। पूरी की पूरी युक्ति उसमें सुझाई गई किस तरह के गाय के गोबर से और मूत्र से हम लोग खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। हालांकि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, हम सही ढंग से अपनी कृषि व्यवस्था को अपनाएंगे। इस वर्ष सरकार ने कितने बजट का प्रावधान किया गया, ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो यदि इस वर्ष के बजट की बात करें तो सरकार ने 25 करोड़ रुपये बजट प्राकृतिक खेती के लिए रखा है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। और एक मैंने आपको और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक कृषि को डेवलप करने के लिए, संशोधन करने के लिए, या उसमें किसानों के लिए विभिन्न तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया करवाने के लिए या उसमें शोध करने के लिए एक विभाग अलग से स्थापित किया गया है। अगली खबर है यहाँ पे मंडी जिले से संबंधित एक खबर आ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंध मंडी जिले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर विश्वविद्यालय की बात चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो इसको स्थापित करने की जो प्रक्रिया वो लगभग धरातल पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभी हाल ही में मंडी का दौरा किया तो उसमें इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए उन्होंने 25 करोड़ की जो डिमांड थी उसको स्वीकृति दी। इसके साथ में ही जो एक मैंने आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, मंडी जिले के क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना 55 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सुंदरनगर, द्रंग तथा बासा प्रत्येक केंद्र पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पे इस बोर्ड में भी पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे भी आप कुछ लिखा पढ़ पा रहे होंगे। इस तरह जब समाचार पत्रों में इस खबर प्रकाशित हुई, ऐसा माना जा रहा था कि सुंदरनगर में क्या हो, तो यदि यहाँ पर हाईलाइट्स में यदि आप लोगों को पढ़ाए हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री श्री जयराम
ठाकुर द्वारा महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर में क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्गत भवन का शिलान्यास करते हुए। आपने ऐसा नहीं मानना है कि क्लस्टर विश्वविद्यालय सुंदरनगर में खोला जा रहा है। क्लस्टर विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा? मंडी में ही खोला जाएगा। पर इसके साथ में क्या किया गया, सुंदरनगर, द्रंग और बासा, ये जो तीन कॉलेज है इनको भी इसके साथ में इंटररिलेट कर दिया गया। यहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनेगी, यहाँ से भी क्लस्टर विश्वविद्यालय का काम चलेगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। जबकि क्लस्टर विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा? मंडी में ही बनाया जाएगा। ये जो तीन प्रमुख कॉलेज है, सुंदरनगर है, द्रंग है और बासा कॉलेज है, इनमें भी 11 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, ताकि क्लस्टर विश्वविद्यालय को और भी अच्छे से इसका संचालन किया जा सके। हर खेत को सिंचने का संकल्प। देखिए, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो करीब 89% पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है, और 89 या 90% के आसपास जो ग्रामीण जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हमारी कृषि या उससे संबंध गतिविधियों पर ही निर्भर है। ठीक है, यदि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि केंद्र सरकार चाहती है कि 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाए, इस आय को दुगनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई जल से कृषि को बल योजना के तहत आगामी 5 वर्षों के दौरान राज्य में 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देखिए, यदि किसानों की आय को बढ़ाना, मैंने आपको बोला पार्टर सिस्टम हमें अपना मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे बीज उनको देने पड़ेंगे, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि प्राकृतिक खेती को आपने डेवलप कराना, आप चाहते हैं कि सिक्किम राज्य की तरह हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण जैविक खेती अपनाएं, तो किसानों को जैविक खेती के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा उन्हें। जैविक जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं यदि वो अपने घरों में नहीं बना पा रहे, तो सरकार को सब्सिडी देकर लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएँ सरकार को करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो सकती है। खाद्यान्न वर्ष के लिए हिमाचल को कृषि कर्मण्या पुरस्कार। देखिए, इसको मैंने पूरी की पूरी समझी, काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल्स था इस न्यूज़पेपर में। यदि बात करूं, हाल ही में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ष 2015-16 का कृषि कर्मण्या पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ये किस क्षेत्र में दिया गया? खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को ये दिया गया है। देखिए, दूसरी बात, यदि आप HS हाई लेवल के एग्जाम दे रहे, तो आपसे ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि पिछले 2011-12-14-15-15-16 की बात करूं तो ये पुरस्कार जो कृषि कर्मण्या पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। हमें पता भी होना चाहिए कि इस पुरस्कार के साथ में क्या दिया जाता है। तो यदि यहाँ पे बात की जाए कृषि कर्मण्या पुरस्कार की, तो इसके साथ में केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देती है, साथ में एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। देखिए, खाद्यान्न में हिमाचल प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ये अवार्ड देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे समझाया गया है कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन 14.94 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया है, 16.40 लाख टन हो गया। इस वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया, कृषि कर्मण्या पुरस्कार से नवाजा गया है। कृषि कर्मण्या पुरस्कार वर्ष 2010-11 से कृषि मंत्रालय द्वारा धान, गेहूं, मोटे अनाज, दालों और कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु शुरू किया गया है। देखिए, इससे पहले का भी यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 11-12 में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय बढ़ोतरी के लिए हिमाचल प्रदेश को कृषि कर्मण्या पुरस्कार दिया गया है। यदि आपने कृषि से संबंधित कोई लिखना है, आपने मेन पेपर लिखना है या कोई फैक्ट्स है, यहाँ से प्रश्न आने का मेरी पर्सनल जजमेंट है, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि एग्जामिनर का ध्यान जाए आपको जैविक खेती से, या इस तरह के जो पुरस्कार कृषि कर्मण्या पुरस्कार मिला, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन रही है। आगे इस पूरे के पूरे गिरिराज समाचार पत्र में हम लोग बात करें तो जो सरकार का बजट है, जो इसके संपादक है, उन्होंने क्लियर किया था कि हम अपने इसमें गिरिराज समाचार पत्र में भी अपने पाठकों के लिए पूरी की पूरी जानकारी मुहैया करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग भी गिरिराज के पाठक हैं। मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें देखना था कि मेरे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए समाचार पत्र में क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरे के पूरे उसको एनालाइज किया और उसके बाद मैंने इसमें पाया, इसमें कुछ जितने भी हमारे क्षेत्र है जहां जहां पे सरकार ने निवेश किया है उनके एक एक पॉइंट्स दे दिए गए हैं यहां पे। देखिए, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा, पूरे औद्योगिक के बारे में यहां पे देखिए। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। यदि औद्योगिक क्षेत्र से कोई भी चीज आपकी आती है तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे। आप प्रिलिमरी भी कर सकते हैं फैक्ट्स के आधार पर, मेन भी लिख सकते हैं। साक्षात्कार में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो ये काम भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं। इसके आगे की स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे
करेंगे इस तरह की स्लाइड्स होगी जिसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया उससे संबंधित पूरी की पूरी योजनाएं यहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, तो सरकार क्या कर रही है, उद्योगों, ऊर्जा परियोजनाओं तथा पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश। देखिए निवेश तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मैंने आपको पिछले कल या जो भी मेरा लेक्चर इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा गिरिराज 21 तारीख का जो गिरिराज था उसमें मैंने समझाया था कि औद्योगिक क्षेत्र की किस तरह से हमारे यहाँ पे जरूरत है। अगली बात करें तो निवेश व रोजगार बढ़ाने के लिए पट्टे पर भूमि देना प्रस्तावित है। देखिए जो भूमि बंजर पड़ी है यदि हम उसको पट्टे पर दे दें तो इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, वहाँ पर हमारे किसान कृषि कर सकते हैं या बाहरी राज्य से कोई आता तो वहाँ पर अपना उद्योग लगाएगा तो उससे क्या होगा, हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा। यदि वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम का होगा सरलीकरण, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, यदि आपने छोटा सा प्लांट भी काटने हैं, प्लांट्स काटने हैं कहीं से, यदि तो छोटा मोटा आप कुछ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज है कि आप लोग पहले ही आपका मन भर जाएगा। तो सरकार यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, औद्योगिकरण के साथ में इसको जोड़िएगा कि वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम का भी सरकार सरलीकरण करने जा रही है। परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण के लिए हिम प्रगति ऑनलाइन प्रणाली आरंभ होगी। देखिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। सिरमौर जिले के नौराधार तथा चंबा जिले के बुढ़ो सिंध में स्थापित होंगे सीमेंट संयंत्र। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कहाँ पे प्रश्न छिपा हुआ है मैं आपको बात करता हूँ। ये नौराधार है, आपने अभी तक हिमाचल प्रदेश के मैंने जितने मेरे लेक्चर से आप पूरे सुनते होंगे तो आपको सीमेंट के बारे में हमने काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी। यदि यहाँ पे बात करें जो नौराधार में सिरमौर में एक जगह पड़ती है वहाँ पे सरकार सफेद सीमेंट जो व्हाइट सीमेंट होता है उसका प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, ये आपने याद रखना है। बाकी जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सरकार द्वारा सीमेंट के प्लांट लगाए गए उनमें सफेद सीमेंट नहीं बनता है, पर सिरमौर जिले के नौराधार में जो प्रस्तावित है यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट सीमेंट बनेगा। इसके अलावा चंबा जिले के बुढ़ो सिंध में भी क्या होगा, एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करेगा जिससे क्या होगा, औद्योगिकरण निवेश को बढ़ावा मिलेगा, हिमाचल को रोजगार मिलने के भी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। खनन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होगी। देखिए इतने सारे फैक्ट्स है, यदि आप 2 मिनट में इसको पढ़ेंगे तो औद्योगिकरण के ऊपर आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगला देखिए अनछुए क्षेत्रों में होगा पर्यटन विकास। अब पर्यटन की बात कर लेते हैं, इस वर्ष कितना किया गया, 50 करोड़ रुपए सरकार पर्यटन के ऊपर खर्च कर रही है। मैंने आपको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक रूप से इतनी संपन्नता प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दी गई है, यदि हम उसको नहीं भांप पाए, उसका दोहन नहीं कर पाए तो ये हमारी गलती होगी, प्रकृति की गलती नहीं होगी। तो इस पर 50 करोड़ है, देखते हैं बजट में कितना इम्प्रूव कर पाता है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ होगी हेली टैक्सी सेवा। उड़ान टू योजना के तहत अतिरिक्त हेलीपैड का होगा निर्माण। देखिए उड़ान टू योजना किससे संबंधित है, उड़ान जो टू योजना है वो है उड़े देश का आम नागरिक, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ शिमला से किया गया था। धार्मिक सर्किट में अधोसंरचना विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना केंद्र को होगी प्रेषित। तो ये सारी चीजें कहां पे की जाएगी, पर्यटन के क्षेत्र में की जाएगी। अगली बात करें युवाओं जो इस YouTube चैनल में मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए अच्छी खबर है, रोजगार एवं कौशल विकास। देखते हैं सरकार आपके के लिए क्या कर रही है, मेरे लिए क्या कर रही है, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट करेगी, क्या क्या रोजगार देगी। तो सबसे पहले 80 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना होगी शुभारंभ, उसको क्या करने जा रही सरकार, शुरू करने जा रही है। उसके अलावा 75 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री आजीविका योजना शुरू की जाएगी। उद्योगों में 40 लाख के निवेश पर सेंटर मशीनरी के निवेश पर 25% पूंजी उपदान दिया जाएगा। युवतियों महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30%, देखिए पुरुषों को कितना मिलेगा 25%, महिलाओं को कितना मिलेगा 30% मिलेगा। 40 लाख का यदि ऋण लेते हैं तो 3 वर्षों के लिए कितना उपदान सरकार उसके ऊपर देगी, 5% का उपदान भी देगी। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सबको रोजगार मिले, नौकरियाँ ही मिले, हम अपना भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर नॉलेज लानी पड़ेगी। आपने मेरे यूट्यूब चैनल का टैग लाइन देखो, मैंने लिखा नॉलेज इज पावर। यदि हम लोगों के पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहीं भी होंगे हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
अगला आ रहा है गुणात्मक शिक्षा की बात करें, सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ ही चुका होगा यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल को रोज सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा पैसा धन कहाँ पे खर्च कर रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है, जिसका अमाउंट कितना है 7044 करोड़ है। विश्वविद्यालय को 110 करोड़ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में छात्रों की जनसंख्या के आधार पर यदि आंकलन निकाला जाए तो पूरे भारत में जो सरकारी विश्वविद्यालय उसको सबसे ज्यादा पैसे किस विश्वविद्यालय को दिए जाते, तो है HP यूनिवर्सिटी शिमला। इस वर्ष इसका बजट कितना हो गया 110 करोड़ सरकार द्वारा ये अनुदान इस विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तैयारी करने वाले यदि अच्छे विद्यार्थी है, अच्छा उनका रिस्पांस रहा है, तो सरकार उनके लिए एक योजना लेकर आई है मेधा प्रोत्साहन। आप याद रखिएगा, मेधा प्रोत्साहन योजना किससे इंटरलेट की गई है, कम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए सरकार इसमें आपको सहायता देगी। सरकारी विश्वविद्यालय में छात्रों को सम्मानित करने के लिए नई योजना, ठीक है, सरकार ने ऐसा किया है कि जो हमारे मैंने बजट में विस्तृत आपको समझाया भी इसके बारे में कि जो जिस सरकारी संस्थान से यदि अच्छे विद्यार्थी निकले हैं तो सरकार उनको सम्मानित करेगी। एक अच्छी मुहिम यहाँ पे की गई है ताकि पता चलेगा कि इस विद्यालय से कितने टैलेंटेड लोग निकले हैं, कितने सरकारी क्षेत्रों में, कितने निजी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियों में अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, पहली तीसरी छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेंगे स्कूल बैग। इससे पहले किताबें मिल रही थी, वर्दी मिल रही थी, सिलाई के लिए पैसे मिल रहे थे, अब सरकार ने क्या कर दिया है, बैग देने भी शुरू कर दिए हैं। राज्य में प्रथम चरण में खुलेंगे 10 आदर्श विद्यालय। देखिए, आदर्श स्कूल, मॉडल स्कूल खोलने की सरकार की योजना है, 10 आदर्श विद्यालय खोलने के लिए टारगेट सरकार इस बजट में कर रही है। तो आई थिंक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर। आगे है बेहतर सड़क सुविधा का वायदा। यदि आपने औद्योगिकरण के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है, यदि आपने टूरिज्म को प्रदेश में लाना है, तो आपको अपनी सड़कों की सुविधा बेहतर करनी होगी। तो सरकार ने इस वर्ष 4082 4,082 करोड़ का प्रावधान बेहतर सड़कों की सुविधा के लिए किया गया है। 600 किलोमीटर सड़कें तथा 35 पुलों का निर्माण प्रस्तावित। 11,000 किलोमीटर सड़क मार्ग होगा पक्का। मुख्यमंत्री सड़क योजना पर व्यय होंगे 50 करोड़ रुपये। हिमाचल सड़क सुधार योजना पर व्यय होंगे 50 करोड़। याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा इनको। यदि यहाँ पे बात करूँ, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में एक खबर भी रही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कितने उच्च मार्गों के निर्माण की मंजूरी दी गई, तो उसके आंकड़े का नंबर होगा 69। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सबसे पहले प्रमुखता IGMC शिमला में खुला था, उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में खुला था, उसके बाद सरकार ने चंबा, सिरमौर और हमीरपुर में 3 और मेडिकल कॉलेज खोल दिया। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज निरचौक में खोल दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे भी आप लोग येलो कलर में देख पा रहे होंगे, बिलासपुर के जो बंदलीधार है वहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार एक एम्स कॉलेज की स्थापना करने जा रही है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा 1351 करोड़ का बजट का सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना चलाई जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष का सुरक्षा सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। ये आपने याद रखना है, जो सेंट्रल सरकार का बजट था उसमें जो सबसे अच्छी बात थी, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां जिस चीज़ ने बटोरी थी, वो यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को प्रति वर्ष के लिए कितना बजट सरकार के द्वारा, कितना पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो उसका आपका उत्तर होगा 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार। इस आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना, निशुल्क दवा नीति का बढ़ेगा दायरा। प्रदेश सरकार क्या करेगी, 62 के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकारी अस्पतालों में दवाएं दी जा रही है, सरकार इसको भी बढ़ाने की योजना कर रही है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं, महिला बाल विकास, देखिए गुड़िया हेल्पलाइन शक्ति ऐप जो बनाया गया है, महिलाओं के लिए भी प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, सुर्खियों में है, प्रश्न आने के चांसेस यहाँ से बनते दिख रहे हैं। महिला मंडलों में स्थापित होंगे सशक्त स्त्री केंद्र। मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना के लिए की राशि बढ़ोतरी, देखिए इसके लिए भी जो मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना, इसके लिए सरकार ने बजट बढ़ाया है। बेटी है अनमोल,
की राशि बढ़कर 12,000 रुपये देगी। अब जो बेटी है अनमोल के अंतर्गत सरकार द्वारा जो राशि मुहैया करवाई जाती है उसका बजट कितना कर दिया है, 12,000 करोड़। उसके बाद अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 1583 करोड़ रुपए का आवंटन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अमाउंट हो गया 750 रुपये। जब आप किसी अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखिएगा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इनको कितना पैसा मिलता होगा, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए इनको 750 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जाता है। और आपको पता ही होगा प्रदेश सरकार ने सबसे पहला काम यही किया था, जो 80 बरस तक के बुजुर्ग थे उनको सरकार की तरफ से क्या पेंशन दी जाती है, सरकार ने उस चीज को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। अब कितना कर दिया है, 70 वर्ष कर दिया है। अब 70 वर्ष के सभी आयु वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से सरकारी पेंशन मुहैया करवाई जाती है। अगला है श्रमिकों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा। देखिए असंगठित संस्थाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है 1 जुलाई। ये तो आपके लिए काम की नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए सरकार की तरफ से 4% अंतरिम राहत दी गई है। अनुबंध कर्मचारियों को यदि आप लोग नई जॉब लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगे तो आपको मिलेगा बेसिक प्लस ग्रेड पे, और ग्रेड पे का डबल मिलेगा आपको, ठीक है। पार्ट टाइम बाटर करियर का मानदेय 2200 कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मिड डे मील कर्मियों को 300 रुपये की बढ़ोतरी, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, जो दिहाड़ीदार है सरकार की तरफ से उनकी दिहाड़ी कितनी कर दी गई है, 225 रुपये कर दी गई है, इसको अपने दिमाग में बैठा है। अब सैनिकों का सम्मान, देखिए प्रदेश के हर तीसरा माफ कीजिएगा प्रदेश के हर तीसरे घर से कोई ना कोई सैनिक भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है। देखिए सरकार क्या क्या कर रही है इनके लिए। भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभ हुए बहाल, सरकारी स्कूलों में लागू होंगी आत्मरक्षा कार्यक्रम, सोलन हमीरपुर तथा चंबा में खुलेंगे महिला पुलिस थाने। याद रखिएगा प्रदेश सरकार 3 महिला थाने खोलने जा रही है, कहाँ कहाँ पे, सोलन हमीरपुर तथा चंबा में। आप लोगों से पूछूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहला महिला थाना कहाँ पे खोला गया, तो आपका उत्तर होगा न्यू शिमला से सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। पुलिस आवासों के लिए 40 करोड़ का प्रावधान, पुलिस गृह रक्षक अग्निशमन तथा कारागार विभागों के लिए 1430 करोड़, यातायात उल्लंघन के मामलों के निपटारे के लिए ई चलान प्रणाली होगी आरंभ। देखिए बहुत ही सुप्त समाचार मुझे लग रहा है, यदि जो चलान का भुगतान है, कई बार देखिए गलती से कहीं पार्क कर देती है हमने गाड़ी तो हमें चलान भुगतना पड़ता है, फिर हम उस दिन जाइए कोर्ट में धक्के खाइए आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। क्यों ना ये सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए, यदि कोई ऑफेंस भी करता है तो उसकी सरकार को इनकम हो रही है, ठीक है ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए, यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, पर फिर भी यदि ई चलान प्रणाली लागू करती है तो अच्छा मुझे यहाँ पे स्टेप सरकार की तरफ से दिख रहा है। ग्राम स्वराज का संकल्प, यदि हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में बसते हैं तो गांव के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हर पंचायत में ग्राम गौरव पट लगेगा। अगला, 100 दिन के बदले 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में बनेंगे मोक्ष धाम। जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान। 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा 194 करोड़। आंकड़े अपने दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर देखिए 3 तरह की तैयारी होगी, प्रिलिमरी की भी, मेन की भी और इंटरव्यू की भी। उसके अलावा नॉलेज इस पावर के कंसेप्ट के ऊपर भी आप लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए इस लेक्चरों को, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, तभी क्या होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इसमें कर पाएंगे। ये आंकड़े तभी हमारे दिमाग में बैठेंगे जब ये बार बार हमारे व्यवहार में आएंगे। बेसहारा पशु रहित पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। यदि कोई पंचायत जो बेसहारा लावारिस पशु है उनके लिए अच्छा काम करती है और उनसे मुक्ति पा देती है, अपने पंचायत के किसानों को आवारा पशुओं से मुक्त कर देती है, तो प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख की राशि देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रित करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पिकअप वाहन खरीद पर 33% उपदान। देखिए भी अच्छी बात है, होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में तो कूड़ेदान लग रहे हैं, सरकार कुछ ना कुछ करती रहती, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी नहीं होता था, तो क्यों ना सरकार ने भी ये कोशिश की है पिकअप वाहन खरीदने पर 33% का उपदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, निःशुल्क दवाइयों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। देखिए निःशुल्क दवाइयाँ मिलनी चाहिए, राइट टू हेल्थ भी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन की तरह ही हमें क्या है
सबको एक स्वस्थ जीवन जीने का भी भारतीय संविधान में जो एक प्रावधान किया गया उसको सरकार को इंप्लीमेंट करना होगा। इसी के अंतर्गत यदि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो इस बजट में 50 करोड़ रुपये निःशुल्क दवाइयों के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है, और निःशुल्क दवा नीति के अंतर्गत 66 दवाएं निःशुल्क में मुहैया करवाई जा रही है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर होगा श्री विपिन सिंह परमार जी, जो कि जिला कांगड़ा से है। यदि मैं पूछूं कि भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए बिलासपुर के माननीय श्री जेपी नड्डा जी, वो क्या है, वो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत है। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है इस पूरे सारांश से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकले उनको भी क्विक सर्विजन में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, मैंने आपको समझा दिया कहाँ पे खोला जा रहा है, जिला मंडी में, बिल्कुल विस्तृत आपको करवा दिया गया है। उसके लिए कितने बजट का सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है, तो वो है 55 करोड़। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा किस देवता मेले को जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया है, तो ये मेला है सुंदरनगर का देवता मेला। आपने पढ़ा होगा कि सुंदरनगर का जो नलबाड़ मेला है वो तो पहले से राज्य स्तरीय मेला है, ठीक है, बिलासपुर का नलबाड़ मेला है राज्य स्तरीय नलबाड़ मेला है, मंगरोट्टू में जो नलबाड़ मेला लगता है वो जिला स्तरीय है, ठीक है। लेकिन सुंदरनगर में जो देवी देवताओं का मेला था अभी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पे आगमन से पहले वो जिला स्तरीय ही हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में उसको क्या कर दिया गया, राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष 2013 में से लागू किया गया है। शिमला की समीप जटिया देवी में किस देश की सहायता से आधुनिक टाउनशिप तैयार किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर सरकार के सहयोग से शिमला के समीप जटिया देवी में एक आधुनिक टाउनशिप तैयार किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा किसने तैयार की है, हिमुडा ने तैयार की है। खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय वृद्धि के लिए वर्ष 2015-16 के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, उत्तर है हिमाचल प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी को एक दिल्ली में एक समारोह में सौंपा गया है, और इस पुरस्कार के साथ में क्या दिया जाता है, 5 करोड़ रुपये, एक ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर लंबा जरूर था पर था बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि इस लेक्चर को आप ढंग से सुन लेंगे तो आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा सरकार की नीतियों के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए तथा साक्षात्कार के लिए भी आप यहाँ से फैक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप लोगों की मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि किसी विद्यार्थी का जीवन ये बना सकती है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के अपने फ्रेंड सर्कल में इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि हिमाचल के हर जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्रोवाइड करने की मुहिम पहुँचे, ताकि हर विद्यार्थी अपने करियर को अपने अनुसार एक उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से एक अच्छे करियर को चुन सके। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।